the shadow to my life. Good morning friends, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है. आप लोग कैसे हैं बताना जरूर. तो यहाँ पे है चाय, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ. तो यहाँ पे है चाय, ये है. You were the shadow to my life. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. चाय हमने पी लिया. आगे हम किचन में यहाँ पे दाल चढ़ा देते हैं और चावल चढ़ा देते हैं. दोनों होते रहेगा तब हम अपना जो चाय का बर्तन है वो भी धो लेंगे. तो पहले दाल चावल को वॉश करके रख देते हैं. तो यहाँ पे मैंने दाल चावल को वॉश करके रख दिया है. यहाँ पे हम चाय का बर्तन धो लेते हैं. तो हमारी टंकी लग चुकी है, एक दिन होली के पहले ही लगी थी. अब हमें आराम है, थोड़ा पानी की दिक्कत नहीं है. सारे बर्तन हम धो के फिर बेसिन को भी हम घस लेते हैं. तो चलिए फिर सारा बर्तन हम धो के फिर मिलते हैं. चने की कोई नई रेसिपी, तो उसकी रेसिपी आप लोग से भी शेयर करेंगे. तो झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ मैंने चना लिया है. तो चने को हम अगर रात में भिगा रहे हैं तो हमें पूरी रात भिगाना ओवरनाइट, और अगर सुबह में भिगा रहे हैं तो 3-4 घंटे के लिए इसे भिगा देना है अच्छे तरीके से. तो इसे ढक के हम रख देते हैं 3-4 घंटे के लिए. चने हमारे अच्छे से फूल चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से हमें फूलना है. यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया, इसी में डाल देते हैं. यहाँ पे गैस पे रख दिया है, तो इसमें आधा ग्लास से भी कम पानी डालेंगे. आप लोग देख सकते हैं आधा से भी मैंने कम डाला है. और गैस को ऑन कर लेते हैं, ढक्कन लगा देते हैं और एक सीटी आने देते हैं. ढक्कन मैंने लगा दिया, एक सीटी आने देते हैं. गैस निकल गया है कुकर का, तो थोड़ी देर ले लेते हैं. तो सारा चने को मैंने निकाल है, ज्यादा इसे ओवर नहीं पकाना है, जिसे हल्का से ये टाइट रहे. तो आप लोग देख सकते हैं इसे हम मिक्सर की जार में डाल के पीस लेते हैं. जैसे आटे का तो सारा मैंने इसमें पलटी कर दिया है, तो इसे हम पेस्ट बना लेते हैं. तो इसमें हरी मिर्ची डाल देते हैं, अदरक डाल देते हैं, लहसुन डाल देते हैं. तो पेस्ट मैंने बना लिया है, तो इसी तरीके से हमें रखना है. तो आप लोग देख सकते हैं कर देते हैं. तो सारा पेस्ट मैंने पलटी कर दिया है, तो इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा धनिया पत्ती, प्याज. तो इसमें कोई भी सब्जी आप डाल सकते हैं. तो थोड़ी सी अजवाइन डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं थोड़ा सा स्वाद अनुसार, सारी चीजों को मिला देते हैं. तो यहाँ पे मैंने मैगी मसाला लिया है. अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं है तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं आप लोग. मैं इसमें डाल देती हूँ. तो यहाँ पे मैंने लिया है उबला आलू, ये भी कद्दूकस करके डाल देती हूँ इसमें. ज़्यादा नहीं डालती. तो हमारा हो चुका है, तो हमें इसी तरीके से करना है. तो इसे रख देते हैं साइड में. तो यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, तो इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर थोड़ा सा. ज्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने उसमें भी नमक मिलाया है. तो इसका हम घोल बना लेते हैं.
ज्यादा पतला नहीं। अब पानी डाल के हम इसका घोल बना लेते हैं। हमारा घोल बन चुका है, तो इसी तरीके से हमें चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कितना स्मूथ बैटर बना है हमारा। तो यहाँ पैन को मैंने रख दिया है, गैस को ऑन कर लेते हैं, पैन को गर्म कर लेते हैं। हल्का सा पानी डाल के हम तो बनाना स्टार्ट करते हैं। जो हमने ऐसे बना के इसका रोटी बेसन का, और फिर हमें जो हमने चने का वो बनाया है स्टफिंग, इसे है इस पे रखना है, और फिर थोड़ा सा ऊपर से प्याज डालना है, फिर इसे पलट देना है। आप लोग भी ट्राई करना, खाने में बहुत अच्छा लगता है और बच्चे लोग को भी बहुत पसंद आएगा। ट्राई करना। तो इसके साथ में है टमाटर की चटनी और ये है पास्ता। तो आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए। मैं काट के भी आप लोग को दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा ये काटने के बाद भी लग रहा है। तो आप लोग भी खाना कभी ऐसे बना के देखो। हम पकौड़ी खाते हैं, उसी तरीके से लग रहा है इस खाने को, बहुत कुछ सुनाई कुछ। तो सारा काम हो गया, तो हम आ गए चैनल में। हमें चावल साफ करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो